हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, आवर चैनल्स मोटिव इज टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। और इस डर को हटाने के लिए हम लोग करते हैं खूब सारा मेहनत दोस्तों, क्योंकि मेहनत से ही हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। इसी जीतने की श्रृंखला में हम लोग अभी ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड इन तीनों में मेरा प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो गया, और इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा कहा कि भाई आप ऐसे ही और एस्पिरेंट्स की हेल्प करो, और इसी हेल्प को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, पहला है, दे एग्जिबिट अ लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशन विथ डेंस अंडरग्रोथ। देखिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में दोस्तों बहुत ही डेंस कैनोपी होती है, और उस कैनोपी से नीचे सनलाइट नहीं आता है। सनलाइट के एब्सेंस में एपीफाइट्स वगैरह तो हो जाते हैं वहां पर, ठीक है, आप गूगल सर्च करके देखिएगा एपीफाइट्स क्या होता है, हालांकि ये सब तो हो जाते हैं, बट अंडरग्रोथ हमें देखने को ऑब्जर्व नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशन, दैट इज ट्रू, बट अंडरग्रोथ, दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड देखिए, द विंटर सीजन इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज जनरली डिवॉइड ऑफ रेन्स। ऐसा नहीं है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ऑल थ्रू आउट द ईयर यू सी एबंडेंट रेनफॉल। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। देख लीजिए, देर इज नो डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन, हेंस देर एग्जिस्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर और रेनफॉल भी। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, लैंड एंड सी ब्रिजेज ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज द मॉनसूनल क्लाइमेट। ऑलराइट, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मॉनसून क्लाइमेट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज, जिसमें से सी ब्रिज कौन सा हो गया आपका, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड हो गया, सी ब्रिज, और लैंड ब्रिज हो गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून वेव, ठीक है, ये हो गया लैंड ब्रिज, ये लैंड से सी की तरफ जाती है, और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड सी से लैंड की तरफ आती है, ठीक है। तो ऐसा भी एक थ्योरी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। देखिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यस, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड प्रैक्टिस्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन, बट लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए दोस्तों, ग्रास चाहिए। तो ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पर है आपका, सवानाज में, स्टेपीज में, प्रायरीज में, ठीक है, सूडान टाइप कल्चर, और इस तरह से आपको वहाँ पर मिलेंगे लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, कैंटरबरी जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ना कि इक्वेटोरियल रीजन्स में, जहाँ पर ग्रास नहीं है वहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं हो सकती है। फिर देखिए, सवाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेसीडुअस ट्रीज। देखिए, सवाना क्या, किसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना बोलते हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको पता है कि डेसीडुअस ट्रीज भी होते हैं। डेसीडुअस का मतलब यह है कि इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल से थोड़ा कम रेनफॉल और डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल, तो बिल्कुल यहीं पर आपको डेसीडुअस ट्रीज भी देखने के लिए मिलेंगे, वो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। राइट आंसर सेकेंड का हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। देखिए, ये जो है ना क्लाइमेट वाला चैप्टर, इसमें बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें याद करके रखते हैं। मैं कहता हूँ इसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक पकड़ के चलेंगे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने बैठेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। एनीवेज, आई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है।
तो पहला बोल रहा है मोर देन हाफ ऑफ द रेनफॉल अकर्स इन द तमिलनाडु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। ये गलत है। आपको पता है कि नॉर्थ तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट जो मानसून विंड है या मानसून वेव है वो उसको इम्पैक्ट करती है, और वो ये इसको इम्पैक्ट करती है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, जिसको रिसीडिंग मानसून भी बोलते हैं, ना कि अगस्त में। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू द नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नहीं, इट ब्रिंग्स रेनफॉल टू द साउदर्न इंडिया। विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये सब चीज़ें अगर आप अभी शुरू से अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो आपको एकदम याद हो गया है, एकदम रटा रटा जा चुका है। तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, देर इज डिक्लाइन इन द मानसूनल रेन्स इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, जो मानसूनल रेन्स होती है, जैसे साउथ वेस्ट मानसून वेव की बात करें हम लोग, ये तो गलत है, ये गलत है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इधर से आती है, इसके दो ब्रांचेज बन जाते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक होता है वे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये इधर वेस्ट टू ईस्ट घटता है और इधर फिर ईस्ट टू वेस्ट घटता है। तो ऐसा कोई कंसिस्टेंस पैटर्न नहीं है कि वेस्ट टू ईस्ट जो है लगातार मानसूनल रेन घट ही रहा है, भले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर डी देखिए, ह्यूमिडिटी इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट एज अगेंस्ट मानसूनल क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कहाँ तो सालों भर बारिश होती है, और मानसूनल क्लाइमेट में बिल्कुल एक सीजन में ही बारिश होती है। तो डी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं दोस्तों। द कॉन्टिन्यूअस सन शाइन ड्यूरिंग द समर ग्रेटली रेजेज द एयर टेम्परेचर ऑफ द पोलर रीजन्स। देखिए, समर में कॉन्टिन्यूअस सन शाइन देखने के लिए मिलती है पोलर रीजन्स में, ये बात ट्रू है, बट क्या ये टेम्परेचर को बढ़ा पाती है? नहीं, क्योंकि जो सन शाइन वहाँ आती है वो होती है स्लैंट रेज, ना कि परपेंडिकुलर रेज। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है हाई एल्बिडो, ठीक है। तीसरा ये रीजन ये है कि आइस की मेल्टिंग होती है। तो देखिए, आइस की मेल्टिंग हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि आइस की मेल्टिंग भी 0 डिग्री पर ही होती है, ठीक है। यानी आइस की मेल्टिंग से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आइस की जो थोड़ा बहुत हीट आया उससे क्या होगा, आइस की मेल्टिंग हो जाएगी, बट टेम्परेचर उतने का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, डिक्लाइनिंग आइस कवर ओवर द आर्कटिक इज कंपाउंडेड बाय द पॉजिटिव आइस एल्बिडो साइकिल। बिल्कुल सही बात है। आइस एल्बिडो साइकिल क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइस मेल्ट करेगा, तो आइस कम हो गया तो अल्बिडो के भी क्या हो जाएगा, पर कम हो जाएगा। अल्बिडो कम हुआ तो फिर से और आइस मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एल्बिडो साइकिल। कि जैसे आइस मेल्ट हुआ तो आइस पहले क्या करता था, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब सनलाइट कम रिफ्लेक्ट होगी तो एल्बिडो घटा, एल्बिडो घटा तो और आइस मेल्ट होगा, और आइस मेल्ट होगा तो और एल्बिडो घटेगा। तो दिस इज पॉजिटिव एल्बिडो, आइस एल्बिडो साइकिल। तो ये डिक्लाइनिंग आर्कटिक आइस कवर का एक ये भी रीजन है। तो सेकेंड इज राइट। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। सो देख लीजिए, आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाई वार्म एंड ड्राई समर। देखिए, वार्म एंड ड्राई समर, अगर किसी ने अभी तक मैंने जो जो पढ़ा है उसको ध्यान से सुना होगा और अभी तक एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, तो उसको पता है कि ड्राई समर कहाँ होता है। ड्राई समर होता है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में, और मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में और क्या होता है, वेट विंटर्स, और यहाँ क्या होता है, साइट्रस फ्रूट्स, जहाँ जिसको बोलते हैं विनियार्ड्स या ऑर्चार्ड्स, या फिर ऑर्चार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, दिस एरिया इज फ्लैंक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ, और रेनफॉल अकर्स इन विंटर मंथ्स, तो विंटर मंथ्स, ठीक है। बाकी देखिए, ऑर्चार्ड्स, वेराइटी ऑफ ऑर्चर्ड्स, तो ये कौन सा क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। देखते के साथ एक ही सेंटेंस से आप इसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो फिफ्थ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। पहला क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स लाई बिलो द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका। अगर किसी को साउथ अमेरिका की मैप याद है तो इस तरह का होता है, और यहाँ पर है इक्वेटोर, और इस इक्वेटर के ऊपर भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और इसके नीचे भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। तो ये बोला लाई बिलो द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स आर सिमिलर टू द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट्स इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल पैटर्न्स। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पर जो वार्म ओशियन करेंट है उसके द्वारा होने वाला जो क्लाइमेट है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। और ये लगभग थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कराता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल कराता है। क्यों? क्योंकि वार्म ओशन करेंट क्या करते हैं, वहाँ से लेकर के जाते हैं, अपने साथ लेकर के जाते हैं मॉइस्चर, और वहाँ कोस्ट पर रेनफॉल कराते हैं। बट ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट तो क्या करता है, ये है वेट वेट समर। मॉनसून क्लाइमेट से इंडिया को रिलेट कर लीजिए सीधे, वेट समर और ड्राई विंटर, तो ये दोनों सेम नहीं है रेनफॉल पैटर्न्स में। तो सेकेंड क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो दोस्तों राइट आंसर हो गया आपका नीदर वन नॉर टू। ठीक है, सिक्स का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेवेंथ देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स के बारे में आपसे स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो बोला इक्वेटर डिवाइड्स द लानोस एंड कैम्पोस ग्रासलैंड ऑफ सवाना। देखिए, इस सवाना तो ग्रासलैंड्स और भी जगह है, बट ये साउथ अमेरिका की बात की जा रही है। तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ऐसे कुछ बना दीजिए। तो यहाँ इक्वेटर, ठीक है, ऊपर है लानोस और नीचे है कैम्पोस। ठीक है, और ये दोनों सवाना टाइप ग्रासलैंड ही हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए, वेस्टर्लीज आर डोमिनेंट इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ सवाना रीजन। अब सोचिए कि यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर वेस्टर्लीज, कहाँ पर, यहाँ पर ट्रेड विंड्स। ये सवाना रीजन को इम्पैक्ट करेगा कौन, ट्रेड विंड्स, ना कि वेस्टर्लीज। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, देखिए यहाँ यहाँ पर है सवाना, एक तो ये हो गया कैम्पोस, ये हो गया लानोस, और इधर सवाना, ये सूडान के आसपास, सूडान और साउथ सूडान में होता है इसलिए इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। और इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर बोलते हैं पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, ये सब हो गया एलाइड सेक्टर। एनीवेज, तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि राइस कल्टीवेशन अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सा प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से, मीथेन, NO2, यही सब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस क्या राइस कल्टीवेशन से प्रोड्यूस होता है, नहीं, मैक्सिमम ग्रीन हाउस प्रोड्यूस होता है पशुपालन से, इससे, एलाइड सेक्टर से। ठीक है, यानी लाइव स्टॉक से प्रोड्यूस होता है, कैटल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम और सेकेंड मोस्ट जो ग्रीन हाउस गैस है वो राइस कल्टीवेशन से प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर दूसरा देखिए, एरियाज विथ मॉनसूनल क्लाइमेट लार्जली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। तो ये बात सही है, जैसे इंडिया भी एक मॉनसूनल क्लाइमेट का ये है, और यहाँ भी लाइवलीहुड के लिए लगभग 45% लोग तो अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला याद रखिएगा, मैक्सिमम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो लाइव स्टॉक्स होता है, सेकेंड नंबर पर राइस कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ये सारे आंसर आप नॉर्मल लॉजिक लॉजिक से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं।
यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डेजर्ट्स के बारे में और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बोला है डेजर्ट्स इन साउथ अमेरिका आर फॉर्म्ड ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी के कारण जो डेजर्ट होते हैं उसको बोलते हैं रेन्स रेन शैडो डेजर्ट, ठीक है। और एक होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेजर्ट। तो साउथ अमेरिका में देखिए क्या रेन शैडो डेजर्ट है, बिल्कुल है, जिसका नाम है पैटागोनिया। ठीक है, ये इस तरह से हमें साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इधर साइड है आपका पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। और सब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण क्या वहाँ पर डेजर्ट है, तो बिल्कुल है, उसका नाम है पेरुवियन डेजर्ट या फिर एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। एटाकामा और इसी को पेरुवियन डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण है, ये गलत है। कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण तो है पैटागोनियन डेजर्ट, बट इसके अलावा एटाकामा या फिर पेरुवियन डेजर्ट भी है, जो कि आपका इसके कारण बनता है, आपका बनता है वो कोल्ड करंट के कारण, ठीक है, कोल्ड करंट के कारण बनता है। तो यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ डेजर्ट्स हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स आर फ्लैंक्ड बाई कोल्ड ओशन करेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो कैनरीज करेंट है वो सहारा ले आता है ऊपर से। देखिए आपको पता है कि ये जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इधर कहीं इक्वेटर होगा, ठीक है, इधर कहीं इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आता है और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इधर साइड से आता है आपका कोल्ड करंट, जिसको बोलते हैं कैनरीज करंट। कैनरीज करंट इधर फॉर्म करेगा कौन सा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है। नीचे साइड से जो कोल्ड करंट आ रहा है उसका नाम है बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट, ठीक है। तो बेंगुएला करंट यहाँ पर फॉर्म करेगा दोस्तों, यहाँ नामीबिया के आसपास ये फॉर्म करेगा नामीब डेजर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कोल्ड करंट के कारण यहाँ पर डेजर्ट है, पहला तो गलत है, दूसरा सही। फिर तीसरा देखिए, डेजर्ट क्लाइमेट्स आर फेवरेबल अराउंड द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बिल्कुल, हाई प्रेशर बेल्ट के पास सब आपको डेजर्ट क्लाइमेट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर एयर सबसाइड करता है तो रेनफॉल नहीं होता वहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th का ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं दोस्तों। यहाँ ग्रासलैंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो पहला है, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका आर डिवाइड ऑफ मरीन इन्फ्लुएंस। तो देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पर है, पहले तो आप देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका है। बार बार इसको बनाइए, हर बार अलग मैप बन रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो पेन है ना ये उतना सटीक नहीं इससे ये बनता है। यहाँ पर इक्वेटर है, इधर है लानोज और कैम्पोज, लानोज और कैम्पोज है लेकिन सवाना टाइप क्लाइमेट, जिसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोल देते हैं। और दूसरा है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसके एग्जांपल्स है स्टेपीज, प्रायरीज, ये सब, तो ये यहाँ पर होता है दोस्तों, और इसका नाम है साउथ अमेरिका में इसको बोलते हैं पैम्पाज, पैम्पाज बोलते हैं इसको। अब आप खुद बोलिए कि पैम्पाज यहाँ पर है तो यहाँ पर मरीन इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। हालांकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स के पास में मरीन इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के कुछ बीचों बीच टाइप से है उनका लोकेशन है। लेकिन साउथ अमेरिका में आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पर जो पैम्पाज है तो यहाँ पर मरीन इन्फ्लुएंस आप खुद बताइए कि होगा कि नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि स्टेपीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी। देखिए कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण विंटर हो या समर हो माइल्ड नहीं होगा, वो होगा हार्स, ठीक है। माइल्ड विंटर माइल्ड समर होगा, ठीक है, कोस्टल रीजन्स में। कॉन्टिनेंटैलिटी यानी कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में माइल्ड विंटर नहीं देखने को मिलेगा, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही अपने आप को निगेट कर रहा है, मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैं बुरे काम करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में निगेट कर रहा है, ठीक है। तो माइल्ड विंटर्स कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण तो हो ही नहीं सकता, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और ऐसे भी स्टेपीज टाइप क्लाइमेट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा हार्श विंटर ही देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू।
देखिए यहाँ पर हिमालयन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क फॉर्म्स द कोर एरिया ऑफ द नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, उसका नाम ही है वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए ग्लेशियल रिट्रीट्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियर्स जो धीरे धीरे पिघल रहे हैं उन्हीं के कारण से ग्लेशियल लेक, इसको ग्लॉफ बोलते हैं। ये ग्लॉफ, ये चलता फिरता वाटर बॉम्ब है, चलता फिरता वाटर बॉम्ब है ये ग्लॉफ। ठीक है, तो ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसी कारण से आता है, ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए इट यही यहीं पर आता है, अगर आप पढ़े नहीं है ठीक से तो आप इसको सही कर सकते हैं, बट ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए एक प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, पहला से दूसरा से तीसरा देखते हैं। एक प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, NAPCC, और इसके अंदर 8 सब प्लान्स हैं, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, उसी के अंदर ये भी एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, और ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप हैं, तो आप अभी के अभी इन 8 के 8 जो सब प्लान्स हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन सब ऑन क्लाइमेट चेंज, सब प्लान्स का नाम लिख लीजिए। ठीक है, और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है वो भी लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप में, और या फिर अब जो ये पूछा जा रहा है कि ओनली वन करेक्ट ओनली टू करेक्ट, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो थर्ड इज इनकरेक्ट हियर, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेरे रिक्वेस्ट पर इन 8 जो सब प्लान्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज प्लीज लिख लीजिए एक बार, एक से दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ ग्रासलैंड्स के नेम दिए हुए हैं और ये किस कंट्री में है ये पूछ रहा है आपसे। जैसे लानोज, पंपाज, पुस्ताज, कैंटरबरी, ये सब पूछा जा रहा है। जैसे कैंटरबरी आपको पता होना चाहिए कि कैंटरबरी ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड का ही है। ठीक है, इसी के लिए कैंटरबरी की घास खा खा करके ही न्यूजीलैंड की गायें जो है दोस्तों बहुत दूध देती है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खूब सारा दूध एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ तो क्या है आपका, रॉन्ग है। बाकी पुस्ताज हंगरी बिल्कुल सही है, और देखिए पैम्पाज उरुग्वे, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैम्पाज का कुछ पार्ट उरुग्वे और अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है, इधर है आपका पैम्पाज, इधर आपका पैम्पाज। बाकी लानोज और काम्पोज, देखिए अगर यहाँ इक्वेटर है और यहाँ पर है लानोज और यहाँ पर है काम्पोज, और अगर आपको थोड़ा सा भी साउथ अमेरिका का मैप याद है तो उरुग्वे इधर है, ये आपका इक्वाडोर जो है वो इक्वाटोर पर है। देखिए इस आसपास में इक्वाडोर, इक्वेटर के एकदम बीचों बीच है लगभग। ठीक है, और ये जो है लानोज इधर साइड है ओरिनोको बेसिन के पास में, और काम्पोज जो है इधर है जिसको ब्राजीलियन हाइलैंड्स बोलते हैं। एकदम मैप आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए तभी आप बहुत सारे आंसर्स कर सकते हैं, और इक्वाडोर इज ऑन द इक्वाटोर। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी डेस्परेटली फनी, प्लीज लाफ। सेकेंड इज राइट, थर्ड इज राइट, वन इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 12th का, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। ये ओरिनोको बेसिन में है और जिस जो कोलंबिया और वेनेजुएला इसको टच करता है। ठीक है, बाकी पुस्ताज जो है हंगरी में है। ठीक है, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है, और पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में है। 12th का हो गया आंसर, आइए 13th क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट क्लाइमेट्स। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट्स आर मोस्टली फाउंड इन चाइना। तो देखिए जो चाइना टाइप क्लाइमेट है ना वो वही है टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट्स। मॉनसून क्लाइमेट जो इंडिया में है वो क्या हो गई, सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल कह सकते हैं, ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। लेकिन जैसे जैसे इंडिया से ऊपर चाइना की तरफ बढ़ेंगे
तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, यानी सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एंड दैट रीजन इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाई मानसून। तो इसीलिए उस क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट मानसून क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। तो आर मोस्टली फाउंड इन चाइना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड देखिए, गल्फ टाइप क्लाइमेट इज मोस्ट प्रोमिनेंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ यमन। देखिए इसको बोलते हैं कैरी मिनाटी का, वो देख रहे हैं आपने देखा होगा, बड़े तेज हो रहे हो, तो ये वही हो रहा है, बड़े तेज हो रहा है ये। गल्फ टाइप क्लाइमेट इज मोस्ट प्रोमिनेंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ यमन, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है पर्शियन गल्फ से, बट ये गल्फ टाइप क्लाइमेट जो बात किया जा रहा है, ये अमेरिका का जो गल्फ है ना, यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर जो गल्फ फॉर्म होता है, ठीक है, इस करंट को भी हम लोग गल्फ करंट बोलते हैं, आपको ध्यान में होगा। ये गल्फ करंट क्या है, अटलांटिक ओशन का वार्म करंट है जो कि यहाँ इस गल्फ को से होकर के जाता है, ठीक है, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है उसको गल्फ टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। देखो दोस्तों, तो ये पर्सियन गल्फ से रिलेशन इसका नहीं है, ये ध्यान में बस रखना है, ये अमेरिका के नीचे नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जो गल्फ है उससे रिलेटेड है ये गल्फ टाइप क्लाइमेट, ठीक है, इसको गल्फ ऑफ मेक्सिको बोलते हैं। हाँ, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से रिलेटेड है गल्फ टाइप क्लाइमेट, नॉट पर्शियन गल्फ। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। तो देख लीजिए, देखिए गल्फ क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन इन द साउथ ईस्ट यूएसए अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको, समझ गए, तो उसी को गल्फ क्लाइमेट बोलते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टुंड्रा रीजन एंड मोजाइक प्रोजेक्ट, ठीक है, टुंड्रा रीजन और मोजाइक प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, जिसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि द होल ऑफ टुंड्रा रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट स्नो कवर। देखिए कोल्ड से हॉट की तरफ चले तो सबसे कोल्डेस्ट रीजन को बोलते हैं टाइगा, और उसके बाद आता है टुंड्रा। तो टाइगा और टुंड्रा में अंतर ही यह है कि टाइगा इज परमानेंटली अंडर स्नो कवर, बट टुंड्रा इज नॉट परमानेंटली अंडर स्नो कवर। ये समर सीजन में यहाँ पे आपको स्नो कवर यहाँ का थोड़ा खत्म हो जाता है, और इसी कारण से आपको यहाँ पर कुछ वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, मोजाइक प्रोजेक्ट इज डिजाइंड फॉर द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, ये गलत है, मोजाइक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू आर्कटिक, ये ध्यान में रखिएगा, मोजाइक प्रोजेक्ट आर्कटिक से रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म नेक्स्ट वाले पेज में देखेंगे, बट मोजाइक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू आर्कटिक, सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया 14th का, डी। देखिए टुंड्रा के बारे में देखिए, द परमानेंट स्नो कवर इन इन द पोलर और आर्कटिक क्लाइमेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हाइयर रीचेज ऑफ ग्रीनलैंड, यानी टाइगा में, बाकी टुंड्रा जिसको लो लैंड बोला जा रहा है, द लो लैंड्स ऑन द अदर हैंड हैव फ्यू मंथ्स विच आर आइस फ्री, समर वाले कुछ मंथ्स जो आइस फ्री होते हैं एंड आर कैरेक्टराइज बाई टुंड्रा, उसे टुंड्रा बोलते हैं, ठीक है। बाकी मोजाइक देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म कहाँ पर है, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, और ये चलाया जाता है एल्फ्रेड वेजिनर इंस्टीट्यूट इन जर्मनी के द्वारा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप मुझे बताएंगे कि एल्फ्रेड वेजिनर ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का क्या नाम है, थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वेजिनर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थ्योरी एंड विच थ्योरी रिप्लेस्ड हिज थ्योरी, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 15th देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टुंड्रा रीजन्स, जो टुंड्रा रीजन्स हैं उनसे रिगार्डेड रिलेटेड आपका स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। तो पहला है कि कॉनिफर फेरस ट्रीज आर टोटली एबसेंट बिलो द इक्वेटर ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। बाकी दूसरा देखिए, लॉरेंशियल क्लाइमेट फाइंड्स प्रेजेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, ठीक है। देखिए लॉरेंशियन क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि ये जैसे नॉर्थ अमेरिका का मैप है,
तो इस रीजन में होता है लॉरेंशियन क्लाइमेट, ये जिसको न्यू फाउंड लैंड और कनाडा के बीच ये सब जो रीजन है यहीं पर होता है लॉरेंशियन क्लाइमेट। तो ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो बिल्कुल ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही होता है, सेकेंड इज करेक्ट। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि कॉनिफेरस ट्रीज आर टोटली एबसेंट बिलो द इक्वेटर, अब ये बिलो द इक्वेटर क्यों बोल रहा है, बट ये टुंड्रा रीजन से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट है कि टुंड्रा रीजन में कॉनिफेरस ट्रीज जो है वो टोटली एबसेंट होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। देखिए ये बिलो इक्वेटर और अबव इक्वेटर नहीं बोलना चाहिए, ये मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा है, ये साउथ ऑफ इक्वेटर बोलना चाह रहा है। जैसे मैप ऐसे बनता है, नॉर्थ ऊपर रहता है और साउथ नीचे रहता है, बट ये करेक्ट तरीका नहीं है बोलने का कि मतलब यूपी से ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यूपी से नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है, दैट इज द राइट वे टू से थिंग्स। तो ये थोड़ा गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, बट एनी वेज 15th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में टुंड्रा टाइप क्लाइमेट नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज नहीं मिलते, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी साउदर्न हेमिस्फेयर में भी कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि साउदर्न साउथ अमेरिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और आपका अफ्रीका है, तो तीन कॉन्टिनेंट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल जो ठंडे रीजन है वहां पर कॉनिफेरस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। तो 15th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देख लीजिए, एक क्वेश्चन 16th देखते हैं दोस्तों। यहां बोल रहा है कि कुछ ग्रासलैंड्स हैं और उस ग्रासलैंड्स का कंसीडर फॉलोइंग प्लेस ऑफ ग्रासलैंड्स एंड क्लाइमेट, ग्रासलैंड्स और क्लाइमेट और उनका रीजन कौन सा है वो बता रहा है। ठीक है, जैसे लैंड ऑफ बिग गेम्स बोला जा रहा है सवाना को, बिल्कुल सही बात है, सवाना दोस्तों है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यह होता है आपका सूडान वगैरह के रीजन में। ठीक है, इसमें बड़े बड़े घास होते हैं और इतने बड़े बड़े घास और इतने हेल्दी घास होते हैं दोस्तों कि उसको खा खा करके वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जैसे वहाँ पर होगा आपको देखने को मिलेगा हिप्पोपोटामस, हिप्पो, फिर मिलेगा एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा से शिकारी जो लोग होते हैं जिनको शिकार करने का शौक होता है वो वहाँ पर शिकार करने के लिए जाते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, गेम माने शिकार, लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो यू आर माई गेम अगर ऐसे आप किसी को बोलते हैं तो तुम मेरे शिकार हो। ठीक है, और आई एम द गेमर मतलब मैं हूँ शिकारी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड प्रायरीज को बोलते हैं, बिल्कुल, जो स्टेपीज टाइप क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, नॉर्थ अमेरिका के स्टेपीज क्लाइमेट, या फिर जिसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। अच्छा देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये सब कुछ सेम ही है, टेम्परेट ग्रासलैंड उसी को हम लोग नॉर्थ अमेरिका में प्रायरीज बोलेंगे, एशिया में उसको स्टेपीज बोलेंगे, साउथ अमेरिका में उसको हम लोग बोलेंगे पैम्पाज। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा, और इन सभी जगह में क्या होता है आपका बहुत सारा अनाज उगाया जाता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ साइबेरिया, बिल्कुल साइबेरिया तो कोल्ड पोल है ही अर्थ का, जो नॉर्दर्न पोल है वो कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ साइबेरिया। तो राइट आंसर क्या होगा, 16th का डी हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए अफ्रीकन सवाना को बोला जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, और ठीक है बाकी सारा तो आप जान ही गए हैं। क्वेश्चन 17th देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, जैसे पहला है कि आर्कटिक काउंसिल इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द आर्कटिक रीजन। बेसिकली दोस्तों ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये आर्कटिक रीजन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, ये एनजीओ नहीं है, आईजीओ है। फिर देखिए, हिमाद्री इज इंडियाज रिसर्च बेस डिप्लॉयड इन नॉर्वे फॉर द स्टडी स्टडी ऑफ द रीजन, सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और हिमाद्री के साथ साथ एक और है इंड आर्क, और आप मुझे बताइए कि अंटार्कटिका में इंडिया के कौन कौन से मिशन है उसको भी कमेंट में बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। यहाँ सी सी लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, देखिए यहाँ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है, ना कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सी को काट दीजिए, यहाँ आंसर गलत है, ये बी होगा राइट आंसर। कौन कौन से कंट्रीज हैं इसमें ये भी देख लीजिए, आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर स्टेट्स हैं, यूएस, कैनेडा, डेनमार्क, रशिया, आइसलैंड,
नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, बेसिकली जो जो आर्कटिक को टच कर रहे हैं वो सारे कंट्रीज हैं। और इंडिया को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2013 में, ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। चाइना को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ दोस्तों, लेकिन चाइना प्लस रसिया मिलकर के आर्कटिक में नया गेम प्लान कर रहे हैं। खैर ये सब आप आईआर में और करंट अफेयर्स में पढ़िएगा। 17th क्वेश्चन आपने देख लिया, आइए क्वेश्चन नंबर 18th देखते हैं। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल एंड ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑफ द सन। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है कि दो टाइप के रेडिएशन होते हैं, एक होता है इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन, ISWSI, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन, और एटमोस्फेयर जो है इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन के लिए होता है ट्रांसपेरेंट, यानी उसको पार होने देता है, अपने में एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब ये इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन अर्थ सरफेस से टकराती है, अर्थ सरफेस को हीट कर देती है, तो हीटेड अर्थ सरफेस वापस से हीट को रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अर्थ सरफेस से ये जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जब निकलती है, तो एटमोस्फेयर इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। एटमोस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे वाटर वेपर, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस इन इस हीट को कुछ देर के लिए अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी कारण देखने के लिए मिलता है ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो आपको ये पहले ही पता चल गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम सन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग लाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, बोथ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इम्पोजेज लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। फिर देखिए, इंडिया एम्स टू हैव 70% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाई 2030, इट्स रॉन्ग। एक पंचामृत मिशन है, पंचामृत गोल है इंडिया का, जिसके तहत 5 गोल्स हैं, जिसमें से कि एक गोल ये है कि 2030 तक 50% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से या फिर नॉन फॉसिल से, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए पंचामृत गोल्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पंचामृत गोल्स है दोस्तों कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल एनर्जी हम लोग को क्रिएट करना है, फिर 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट वो रिन्यूएबल सोर्सेस होना चाहिए, फिर टोटल प्रोजेक्टेड जो कार्बन एमिशन है, यानी अभी से 2030 तक जितना प्रोजेक्ट किया गया कि इतना कार्बन एमिशन होगा, उसमें उतने में से 1 बिलियन टन कम ही एमिशन करना है, 1 बिलियन टन कम कार्बन एमिशन करना है उतने में से। फिर फोर्थ टारगेट है हमारा कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी जो है वो घटाकर 45% कर देनी है, पहले ये टारगेट था 33 से 35%, अब इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए जितनी कार्बन खर्च हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले वो कुछ यूनिट खर्च हो रही थी कार्बन की, अब उससे कम ही यूनिट में हम लोगों को क्या करना, उतना ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन करना है। फिर फिफ्थ टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेना, यानी जितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिलीज कर रहे हैं उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो ये 5 टारगेट्स हैं पंचामृत मिशन के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, N2O एमिशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया गया है। पहला देखिए, नीम कोटिंग ऑफ, और यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड को घटाने में कौन कौन हेल्प करेंगे। तो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा, एग्जैक्टली इसी चीज़ के लिए नीम कोटिंग ऑफ यूरिया को इंट्रोड्यूस ही किया गया है। एक रीजन हालांकि ये भी है कि फर्टिलाइजर का इफिशियंसी बढ़ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, सॉयल हेल्थ कार्ड, बिल्कुल सॉयल हेल्थ कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि इस सॉयल में जो है एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आप नहीं डालेंगे तो ज़्यादा N2O एमिशन भी नहीं होगा। फिर तीसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, देखिए देखने से तो ये बहुत प्यारा है, मासूम है, लेकिन ये उतना भोला नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से भी N2O एमिशन होता है दोस्तों, N2O एमिशन होगा, CH4 ओमिशन नहीं एमिशन, ठीक है, CH4 एमिशन होगा। तो बस देखिए, प्यार प्यार से नहीं डील करना है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बहुत जगह आप सुनते हो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती,
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उससे भी आपको नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 19th का ए, 1 एंड 2 ओनली। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेपीज एंड थर्मल एक्सपेंशन। अब ये दो अलग अलग टर्म है। स्टेपीज क्या हो गया, स्टेपीज हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ एशिया, एशिया बोले या यूरेशिया बोल दीजिए, ठीक है। और थर्मल एक्सपेंशन है जो ओशियन का वाटर जो हीट के कारण फैल रहा है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एनीवेज तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द स्टेपीज आर फाउंड इन द एरियाज अराउंड द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। बिल्कुल आप जाइए अभी मैप में देखिए, ठीक है, कि जो स्टेपीज क्लाइमेट है ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के आसपास ही देखने के लिए मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये रीजन भी अभी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसी रीजन में आपको यूक्रेन भी देखने के लिए मिलता है। आपको पता है कि यूक्रेन रसिया ये सब वर्ल्ड का एक वन ऑफ द लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। इसी कारण जब यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुई तो देखिए युद्ध में जो लड़ते हैं उनका तो नुकसान होता ही है, युद्ध के कारण सभी का नुकसान होता है। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसके कारण गरीबी बढ़ गई। क्यों गरीबी बढ़ गई भाई, क्योंकि वीट का एक्सपोर्ट बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। तो वीट का एक्सपोर्ट कम हो गया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फूड प्राइसेस प्राइस है वो बढ़ गई, और इसी कारण से काफ़ी लोग भुखमरी से मरने लगे। इसीलिए हम लोगों को युद्ध नहीं लड़ना है, लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी की जय। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशियन वाटर इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द राइज इन सी लेवल। बिल्कुल सही बात है कि राइज इन सी लेवल का एक कारण ये भी है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ओशन वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका एक्सपेंशन हो रहा है। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पर वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एंड हाई टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ें क्या चीज़ क्या करती है, एक्सपेंड ही करती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। वाटर का जो मिनिमम वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है वो करती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस से घटाओगे टेम्परेचर तो भी और बढ़ाओगे टेम्परेचर तो भी वाटर एक्सपैंड ही करती है। 20th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए मैंने आपसे पूछा था अंटार्कटिका पर इंडिया का कौन सा मिशन है, तो मैत्री मिशन है, यहाँ पर आपको मिल गया। अब देखिए ये कह रहा है कि लेक प्रियदर्शनी इज बिल्ट बाय इंडिया अराउंड मैत्री रिसर्च बेस अंटार्कटिका। बिल्कुल सही बात है, लेक प्रियदर्शनी इंडिया ने बनाया है और कहाँ पर बनाया है, अंटार्कटिका पर, ठीक है। प्रियदर्शनी आपको बताना है कि प्रियदर्शनी किसका नाम था, ये गांधी जी से एसोसिएटेड है। गांधी जी ने एक लड़की को देखा और बोला यू विल बी कॉल्ड प्रियदर्शिनी, तुम देखने बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा नाम आज से प्रियदर्शिनी। तो बताइएगा तो कमेंट में कि प्रियदर्शिनी गांधी जी ने किसको कहा था। एनीवेज सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पोलर वॉर्टेक्स एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। बिल्कुल सही बात है। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म होता है लो टेम्परेचर, और पोलर वॉर्टेक्स फॉर्म होता है पोल के ऊपर इस तरह का वॉर्टेक्स ऐसे ऐसे हिलने वाला, और पोलर वॉर्टेक्स के कारण क्या बनता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनता है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, ठीक है। और ये क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर बनाते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और इन फ्री रेडिकल्स के ही प्रेजेंस में होता है ओजोन डिप्लीशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, किगाली एक अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले आया वियना कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन था, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसे लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट वगैरह साइन नहीं किया गया था, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर किगाली एग्रीमेंट, ये तीनों रिलेटेड है ओजोन डिप्लेशन से, ठीक है। ये तीनों ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, तो आपको इसे याद रखना है। सबसे पहले कौन आया, वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर है थर्ड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। देख लीजिए दोस्तों, चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन भी फिनिश होता है।
अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल सी एस सी विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस पूरे सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करिए, ठीक है? तब जा करके आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।